अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप 25,000 से कम के बजट में कोई कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 22 या 23 हज़ार की प्राइस में, तो बेस्ट फ़ोन आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि कैमरे के लिए होने वाला है और बहुत ही जल्द आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है। ये वाला फ़ोन है टेक्नो कैमन 16, जो कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान में आने वाला है। ऑलमोस्ट अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्ट में ही पाकिस्तान में आपको मिल सकता है। फ़ोन काफ़ी तगड़ा है कैमरा वाइज, और डिज़ाइन वगैरह भी इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। तो अगर हम इस फ़ोन के कैमरा की बात कर लें, तो इसमें 4 कैमरे बैक पे मिलते हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। तो ये तबाही किस्म के रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है ये ना समझना कि 50,000 वाला जो मोबाइल है उस तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो बाकी फ़ोन के नस्बत काफ़ी तगड़े आपको रिजल्ट मिलेंगे। लो लाइट में भी आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको जो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है उसमें 1.73 का अपर्चर है, तो लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे फोटो निकाल देगा। 2 का मैक्रो सेंसर इसमें मिलता है, 2 का डेप्थ सेंसर और 1 लो लाइट सेंसर है। कम से कम इधर 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल तक का अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए था, और फ्रंट पे इधर 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी मिल जाती है, और साथ में आपको फ्रंट कैमरा में भी बोके शॉट लेने का ऑप्शन मिल जाता है। और चिपसेट भी इस फोन में काफी अच्छा लगाया गया है, साथ में आप गेमिंग भी अच्छी कर सकेंगे। अगर आप पबजी के लवर हैं थोड़े बहुत, तो मीडियाटेक का G70 वाला इसमें प्रोसेसर आपको मिलेगा। 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ इसका एक वेरियंट आएगा, हो सकता है 6 GB रैम 128 GB वाला वेरियंट भी आ जाए। जिसकी हम प्राइस की बात करें, यानी 4 GB रैम 64 GB वाले की, तो ऑलमोस्ट 23,000 या ऑफलाइन डिस्काउंट वगैरह डालकर 22,000 तक रहने वाली है इसकी प्राइस। तो काफी अच्छा फोन होगा कैमरे वालों के लिए भी और पबजी वालों के लिए भी, और काफी बड़ा इसमें भी डिस्प्ले वैसे लगाया गया है 6.8 इंच का, जो कि आम साइज रहता है टेक्नो के फोन्स का। और ब्राइटनेस इस दफा इन्होंने थोड़ा ज्यादा दिया है, 480 हर्ट्ज तक आप इंक्रीज कर सकते हैं इधर ब्राइटनेस को। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है फोन, लेकिन जो आपको बॉक्स में चार्जर मिलेगा वो 10 वाट का होने वाला है। देखते हैं पाकिस्तान में ये क्या 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देता है, या ग्लोबली या इंडिया में जो लॉन्च हुआ है उसी तरह करता है, 10 वाट के चार्जर के साथ ही आपको फोन देता है। तो मैं तो इस वाले फ़ोन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे ये पाकिस्तान में फ़ोन आएगा, आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी इसका ज़रूर से मिलने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो यो दोस्त पूछते रहते थे कि 25,000 की रेंज में कोई ऐसा फ़ोन बताया जाए या 20,000 तक भी, जो कि कैमरा के लिए बेस्ट हो, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा अभी वेट करें टेक्नो कैमन 16 का, बहुत ही जल्द पाकिस्तान में आएगा, तो आप कैमरा फ़ोन और गेमिंग फ़ोन दोनों का मज़ा ले पाएंगे इस वाले फ़ोन में। अगर आप नेक्स्ट भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा मोबाइल आने वाला है जो कि अच्छा होगा कैमरा या पबजी के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, फिर लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।